yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge Vasudev Devaki भय मत करो, तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। भले आए बंधु, कीर्ति दफा में स्वागत। पुत्र जन्म की बधाई नंदराय। यशोदा बहन भीतर हैं? हाँ बहन, अब जा सकती है। बरसाने में सब कुशल मंगल तो है ना? सब प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत बधाई नंद। धन्यवाद। भगवान करे कीर्ति दा भावी की खूब प्रतीक्षा तो हम बरसों से कर रहे हैं नंद। देखें भगवान हमारी कब सुनता है। सुनेगा पुष्पा, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेगा। दर्शी मेरे पुत्र का नाम करण कीजिए और इसके मुंडली में क्या लिखा है बताइए। ऐसे बालक का क्या भविष्य होगा जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूं कृष्ण।
कितने अच्छे हैं, सरल, सभी से प्रेम करने वाले। हमें तो यहाँ पे माखन चुराने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे माधव, आज बलदाव नहीं आए स्नान के लिए, तो पहले ही स्नान करके चले गए। क्यों? नए घर में निवास का प्रबंध हो रहा है ना, इसीलिए बाबा ने बुला लिया। अरे ये राधा यहाँ क्यों आ रही है? जल के अंदर क्यों छिप गए? बाहर आ जाओ। ये समय तो हम लड़कों के स्नान का है, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? मैं तो कान्हा से मिलने आया हूँ, मुझे कान्हा से काम है। ये झूठ बोल रही है, कुछ काम वाम नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, अभी कान्हा तुमसे नहीं मिल सकता। ऐसे कैसे नहीं मिल सकता? मैं तो बिना मिले नहीं जाऊंगी। देखो तो कैसी चीज है, अरे दिखाई नहीं देता। स्नान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, तीनों के कपड़े यहाँ पड़े हैं, इसलिए छिप रहे हो। अब तो मैं आज दिन भर यही बैठी रहूंगी। क्या? नहीं नहीं राधा, देखो ऐसा मत करना। तुम जाओ, मैं अभी आकर तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि एक बार तुम मूर्तियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे। अच्छा, तो आज तुम भी मेरे साथ वही करोगी? हाँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस दिन गोपियों को कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे तो सभी के कष्टों का ज्ञान है, तुम बैठी रहो, मुझे क्या। अरे परंतु मुझे तो ठंड लग रही है राधा, जाओ ना। वैसे भी हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते। परंतु तुम्हें मुझे अपने साथ खिलाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं तुम लोगों के कपड़े लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो वचन दो कि तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे और अपने साथ खिलाओगे। हाँ वो तो माधव बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। क्यों कान्हा, तो तुम भी कहो। मैं तो वृंदावन तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं भी वैसा ही करूँगा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, ध्यान रखना अपना वचन। भगवान, ये तो बड़ी हसीन लड़की है। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाढ़ प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं न तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, न उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा, संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।